my screen. So can you guys see my screen? And rest of the guys, please turn off your mic. Okay, can you guys see my screen? Yes, sir. Okay, good. All right, so थोड़ा सा थ्योरी की तरफ आते हैं, ठीक है? इग्नोर दीज एडवर्टाइजमेंट्स, मैंने तो सर्च नहीं की, पता नहीं कहाँ से आ गई, ईद के टाइम की वजह से आ गई है शायद। अच्छा जी, सर्वलेट हमने थोड़ा सा इसका ये भी पढ़ा था, लेकिन आज जो है हमें सारी आउटलाइन जो है ना इससे रिलेटेड, हमने बहुत सारा काम किया हुआ है और ये तकरीबन खत्म करनी है, ठीक है? अच्छा, सर्वलेट ट्यूटोरियल के अंदर ये बता रहा है सर्वलेट टेक्नोलॉजी यूज टू क्रिएट द वेब एप्लीकेशन, ठीक है? वेब एप्लीकेशन का हमने आइडिया भी लिया है और सारा काम भी किया हुआ कि वेब एप्लीकेशन क्या होती है। बेसिकली वेब एप्लीकेशन और वेबसाइट में अगर आपसे कोई फर्क पूछे तो वो ये होता है कि जो वेबसाइट होती है वो बिल्कुल ही वो स्टैटिक होती है, उसमें बस सीईओ का मैसेज होता है और उसकी एक वीडियोस पड़ी होती है और उसकी के भाई हम जो है आपको शेयर कराते हैं अपनी स्कूल की या अपनी यूनिवर्सिटी की। सही है, अक्सर जो भी यूनिवर्सिटी या स्कूल की साइट्स होती हैं वो स्टैटिक होती हैं, उसमें आप कोई लॉगिन वॉगिन नहीं होता, उसमें कोई साइन अप नहीं होता और वो डेटा चेंज नहीं होता, वो डेटा सबके लिए सेम होता है, राइट? लेट्स से मैं आपको एक मिसाल दूं, हमारा फेसबुक है वो सबसे ज्यादा मशहूर है, तो उसमें ये होता है डेटा सबका सेम होता है, सॉरी डिफरेंट होता है हर किसी के लॉगिन के हिसाब से। इसको कहते हैं वेब एप्लीकेशन, जो अकॉर्डिंग टू द क्रेडेंशियल्स या अकॉर्डिंग टू द इनपुट आउटपुट चेंज मिले उसको हम बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट क्या होती है, 100 बंदे उसी एक जगह पे जाएं, 100 बंदों को सेम चीज देखने को मिलेगी, ठीक है? तो ये सर्वलेट टेक्नोलॉजी वेब एप्लीकेशंस बनाने के काम आती है। वेबसाइट तो हम सिंपल एचटीएमएल में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सर्वलेट टेक्नोलॉजी इज रोबस्ट एंड स्केलेबल बिकॉज ऑफ द जावा लैंग्वेज, क्योंकि सर्वलेट जावा क्लासेस होती हैं, सही है? देयर आर मेनी इंटरफेसेस एंड क्लासेस इन सर्वलेट एपीआई सच एज सर्वलेट जेनेरिक सर्वलेट एचटीटीपी सर्वलेट सर्वलेट रिक्वेस्ट सर्वलेट रिस्पांस ईटीसी। हम एचटीटीपी सर्वलेट यूज करते हैं क्यों, क्योंकि सबसे ऊपर सर्वलेट है जिसको एक्सटेंड किया हुआ है जेनेरिक सर्वलेट ने, जिसको एक्सटेंड किया हुआ है एचटीटीपी सर्वलेट ने। इसका फायदा ये है कि एचटीटीपी सर्वलेट के अपने मेथड्स और जेनेरिक सर्वलेट के सारे मेथड और सर्वलेट के सारे मेथड हम यूज कर सकते हैं, सही है? इसका फायदा ये होता है, ठीक है? ये इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर सबसे लास्ट वाले का हम एक्सटेंड करते हैं। अच्छा, व्हाट इज सर्वलेट, क्या होता है? सर्वलेट इज अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशंस इंटरफेस दैट मस्ट बी इंप्लीमेंटेड इज अ क्लास एक्सटेंड्स कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वर। अच्छा, इसका ये सब कुछ ये बताने का ये मकसद ये है कि सर्वलेट इज अ वेब कंपोनेंट दैट इज डिप्लॉयड ऑन द सर्वर टू क्रिएट द डायनामिक वेब पेज, एक चीज ये। दूसरी चीज ये कि सर्वलेट्स आर द क्लासेस प्योरली जावा क्लासेस जो सिर्फ सर्वर पे चलते हैं, होते जावा के क्लासेस ही है, सिंपल वही इफ एल्स वही लॉजिक सब कुछ सेम होता है। और ये आपको क्लाइंट और सर्वर वाला वो बता रहा है, जैसे ये जेएसपी है, जेएसपी की एचटीएमएल जो होती है वो क्लाइंट साइड पे लोड होती है, लेकिन उसकी जो डेटा आती है जेएसपी की डायनामिक वो सर्वर साइड से होके सर्वलेट से होके आती है, और वो सर्वर जो होते हैं वो आपके सर्वलेट्स हैंडल करते हैं, सॉरी सर्वलेट्स जो होते हैं वो आपके सर्वर्स हैंडल करते हैं, और सर्वर्स के अंदर आपकी ये सर्वलेट फाइल्स वगैरह पड़ी होती है सब कुछ, ओके? अच्छा, उसके अलावा जो है व्हाट इज वेब एप्लीकेशन, ये बता रहा है वेब एप्लीकेशन क्या होती है, accessible from the web, a web application is composed of web components, CSP, servlet, filter, etc. और इसके अंदर जो है HTML, CSS, JavaScript भी काम करती है, ठीक है? और उसके अलावा advantages of servlet ये बता रहा है कि ये web server request, हर request का thread जो है वो बनाता है, और जब तक आप अपनी उस request को forward, forward, forward करते रहोगे वो same request, same thread में चलेगी, जब आप उसको send redirect करोगे तो वो request खत्म हो जाएगी, नया thread open हो जाएगा, और लेट से मैं अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए थ्रेड अलग बनेगी, कोई दूसरे ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा है उसके लिए थ्रेड अलग बनेगी, और अगर मैं यूजर नेम इनाम दे रहा हूँ तो मेरे पास जो डेटा उस थ्रेड में आएगी इनाम के हिसाब से आएगी, अगर कोई उसामा इनपुट कर रहा है तो उसके हिसाब से जो डेटा आएगी वो उसामा के इनपुट से आएगी, ठीक है? अच्छा, इसके फायदे क्या होते हैं, बेटर परफॉर्मेंस, सही है, बिकॉज इट क्रिएट थ्रेड फॉर ईच रिक्वेस्ट, सही है, और बिकॉज ऑफ इट यूजेस द जावा और JVM manages servlet, ये JVM पे ही चलता है, so we do not worry about the memory leak, garbage collection वगैरह इसमें होता है because it uses Java language, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। अब ये सारी पॉइंट्स जो हैं आपने समझनी है और आपने नोट डाउन करनी है और आपने मेमोराइज करनी है, ठीक है? क्योंकि कल को अगर इंटरव्यूअर पूछता है सर्वलेट क्यों और कुछ और क्यों नहीं, और अगर जावा में रहते हुए तो हम और क्या चीजें यूज कर सकते हैं,
जेएसपी क्या है, सर्वलेट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, सारी चीजें आप यहाँ से बता सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड के वेब टर्मिनोलॉजी, ये क्या कहता है कि वेब टर्मिनोलॉजी के अंदर जो मैंने बताया कि वेबसाइट स्टैटिक वर्सेस डायनामिक क्या होती है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट मे कंटेन टेक्स्ट इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो, सही है, स्टैटिक होती है। अच्छा एचटीटीपी क्या होता है, इट्स अ डेटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती है, जो आप भेजते हो। गेट वर्सेस पोस्ट, ये बहुत अच्छी वो है, इसको आपने पढ़ना है। इट गिव्स द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट, है ये गेट क्यों पोस्ट क्यों, गेट में डेटा कहाँ से जाता है, पोस्ट में कहाँ से जाता है, ज्यादा सिक्योर कौन सा है, गेट कब यूज करना चाहिए, पोस्ट कब यूज करना चाहिए, ये सारा पढ़ना है आपने, सही है। और वेब वर्सेस एप्लीकेशन इज यूज्ड टू मैनेज द नेटवर्क रिसोर्सेज। कंटेंट टाइप क्या होता है, एचटीटीपी हेडर कंटेंट टाइप, भाई जो हम सर्वर से सर्वलेट से जब हम रिस्पॉन्स देते हैं तो हम सेट कंटेंट टाइप करते हैं कि हम यहाँ से क्या भेजने वाले हैं, एचटीटीपी भेजने वाले हैं, एचटीएमएल भेजने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट भेजने वाले हैं, सीएसएस भेजने वाले हैं, या जो भी डिफरेंट कॉन्टेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा ये सारी वेब टर्मिनोलॉजीज के अंदर आपको क्या क्या बता रहा है, ये भाई वेबसाइट क्या क्या होती है, एचटीटीपी क्या होती है, गेट वर्सेस पोस्ट जरूर पढ़ना आप, सही, ये अलग से पूरी पूरी लिंक्स हैं, गेट के अंदर क्या होता है, पोस्ट के अंदर क्या होता है, ये आपकी वेब टर्मिनोलॉजीज के अंदर आता है, सही है। और सर्वलेट ट्यूटोरियल के अंदर जो है फिर आपको बता रहा है व्हाट इज सर्वलेट एपीआई, सर्वलेट एपीआई क्या होती है, सही है। ये पैकेजेस कौन से पैकेज हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट एंड जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एचटीटीपी, सही है, ये दोनों पैकेजेस हैं इसके। इसके इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, सर्वलेट है, सर्वलेट रिक्वेस्ट है, रेस्पॉन्स है। हम सर्वलेट रिक्वेस्ट यूज कर चुके हैं, जो हमें मिलता है ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट गेट एट्रीब्यूट रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये सारे जो है हमें मिल रहे हैं और इनके हम डिफरेंट जो है मेथड्स यूज करते हैं। रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड हम यूज करते हैं, सही है, ये हम थोड़ा सा आगे चल के कर रहे होंगे आज, सर्वलेट कॉन्फिग और कॉन्टेक्स्ट, सही है। उसके अलावा फिल्टर भी कर रहे होंगे हम, फिल्टर चेन, फिल्टर कॉन्फिग, ये सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर्स होते हैं। लिसनर्स क्या करते हैं कि जब रिक्वेस्ट आती है तो ये लिसनर को पता चल जाता है, जैसे बटन क्लिक होता है तो बटन को जीयूआई में पता लग जाता है, वैसे ही जब सर्वलेट के अंदर रिक्वेस्ट आती है तो इसको लिसनर को पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट आई है, सही है। अच्छा आपने वो सुना है गूगल एनालिटिक्स, जो क्या करता है कि आपकी वेबसाइट में कितने बंदे आए, या ऐसी वेबसाइट आपने देखी है जो आपको बताता है कि इस वक्त आपके पास कितने बंदे ऑनलाइन है और कहाँ कहाँ से आए हुए, तरह की वेबसाइट्स आपने देखी है? एक वेबसाइट है जो गेट मैट्रिक्स, उससे हम वो देख सकते हैं कि हाँ, अपनी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। हाँ ये सारा कुछ आप खुद कर सकते हो, आपको किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे लिसनर्स हैं, कहाँ से रिक्वेस्ट आई, जब रिक्वेस्ट आपके पास लिसनर, आपके पास एक क्लास होती है जिसको आप एक्सटेंड करते हो सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर से, वो आपको मेथड्स देता है, कौन सी आईपी, कौन सी कंट्री, कौन सा इंटरनेट कनेक्शन, सब कुछ आपको प्रोवाइड करता है कि सारे मेथड्स हैं, और आप सारा सब कुछ आप अपने पास डेटा में रख सकते हो कि ये बंदा कितनी रिक्वेस्टें कर रहा है, या कॉन्टेक्स्ट लिसनर, सही है, और रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर, ये कब कब कॉल होते हैं, ये सारे आप देखेंगे, सही है। और ये कह रहा है कि इस पैकेज के अंदर और भी क्लासेस हैं, ये सारी इसकी क्लासेस हैं, सही है, और ये सारी इसकी क्लासेस हैं, कुकी, एचटीटीपी, सर्वलेट, रिक्वेस्ट रैपर, सेशन, ये सब जो है, ये सारी पढ़ने की चीज़ें और बहुत अच्छी चीज़ें, ठीक है। ये सर्वलेट इंटरफेस का बता रहा है कि जो सर्वलेट है इसके अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको बता रहा है कि जब आप अपना जो क्लास है वो जब आप एक्सटेंड करते हो या इम्प्लीमेंट करते हो सर्वलेट से, तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको सर्विस मिलती है, आपको डू गेट डू पोस्ट नहीं मिलता, सही है। उसके अलावा आप अपनी क्लास अगर जेनरिक सर्वलेट से करते हो तो आपके पास कौन कौन से मेथड आते हैं, ठीक है, और क्या क्या मेथड का क्या क्या काम होता है, कब कब कॉल होता है, क्या कर सकते हो उसमें, ये सारे उसके एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम अपना एक वो एचटीटीपी सर्वलेट से करते हैं तो एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर हम क्या सर्विस मेथड और डू गेट है, सही है, डू पोस्ट, हम डू गेट और डू पोस्ट यूज कर चुके हैं, डू हेड होता है, डू ऑप्शंस, डू पुट, डू ट्रेस, डू डिलीट, और सर्विस मेथड होता है, सही है, तो ये सारे मेथड। अच्छा मजे की बात कि एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर आपके पास वो सारे मेथड्स होंगे जो आपको मैंने ऊपर दिखाए इन दोनों के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो होती है सर्वलेट लाइफ साइकिल, कि एक सर्वलेट कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सर्वलेट सबसे पहले स्टार्ट होता है, उसके बाद सर्विस देता है, सर्विस मतलब डू पोस्ट डू गेट डू पोस्ट डू गेट, वो सर्वलेट जो है वो एक मरतबा जिंदा होता है और अपनी सर्विसेज देता है, फिर वो मर जाता है, ठीक है, कॉल द डिस्ट्रॉय मेथड।
अच्छा उसके बाद ये आपको बता रहा है सर्वर सर्विस सर्वलेट क्लास इज लोडेड, द क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल, फिर सर्विस इंस्टेंस क्रिएट होता है। ये आपका वो वाला मेथड है जो इनिट मेथड है। आप जब ये मेथड अपने पास उसमें लिखोगे तो जब फर्स्ट टाइम सर्वलेट चलेगा तो आपका ये मेथड चलेगा। दिस इज समथिंग लाइक स्टैटिक ब्लॉक, आपको याद है स्टैटिक ब्लॉक, वो क्या करता है वो सबसे पहले चलता है एक मरतबा, ऐसा ही है। यस सर। ठीक है, तो स्टैटिक ब्लॉक की जगह आपने अगर इनिट मेथड लगा दिया हर सर्वलेट के अंदर तो वो इनिट सबसे पहले चलेगा। सर्विस मेथड का हर मरतबा चलता है, हर मरतबा का मतलब ये है कि जब जब वो फॉर्म फिल होगा तो ये सर्विस मेथड चलता रहेगा। सही है, सर्विस मेथड क्या है बेसिकली, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डू गेट, डू गेट एंड डू पोस्ट। ठीक है, आप अगर डू गेट और डू पोस्ट मेथड को हटा के अगर सर्विस मेथड लगा देते हो तो वो डू गेट और डू पोस्ट कोई भी रिक्वेस्ट आएगी वो सर्विस में ही आएगी। लेकिन डू गेट और डू पोस्ट में क्या फर्क है वो आप सारा सर्विस वेब टर्मिनोलॉजी जो मैंने आपको लिंक दी है ये वाली, यहाँ पर क्लिक करोगे वेब टर्मिनोलॉजी के अंदर, यहाँ पर आपको ये बताएगा किस पे क्लिक करोगे, इसमें गेट में और पोस्ट में क्या फर्क है, कब किसमें डेटा भेजना चाहिए। लेकिन जब भी आप डेटा भेजोगे वैसे हमारे पास या तो डू गेट या डू पोस्ट में आता है, लेकिन यहाँ आपके पास सर्विस में आ जाएगा। अगर आप सर्विस नहीं लगा रहे तो डू गेट डू पोस्ट लगाओ, इट्स ओके। अलग अलग मेथड्स बन जाते हैं जब आपको दोनों पे अलग लॉजिक करनी हो। और इनिट मेथड आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करोगे वहां पर आपका हर मरतबा चलेगा, और डिस्ट्रॉय मेथड आपका तब चलेगा जब आप सर्वर डाउन करते हो ना, सर्वर बंद करते हो या सर्वर रीस्टार्ट करते हो, तो वो सर्वलेट जो है बंद होता है और सर्वर जब रीस्टार्ट होता है तो वो सर्वलेट उसमें ऑन होता है। ठीक है, तो ये तीनों मेथड्स आप चला के देख लो, ये इस पे हमने काम किया हुआ है, ये कॉपी करके इस मेथड में आप सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ही करके देख लो कि भाई ये सर्वर सर्वलेट ऑन हुआ, ये सर्वलेट डिस्ट्रॉय हुआ, देखो कब कब ऑन हो रहा है कब डिस्ट्रॉय हो रहा है। सही है, तो ये सारी चीजें आपके पढ़नी है। और ये सर्वलेट लाइफ साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है। ठीक है, अच्छा अब ये सर्वलेट की एग्जाम्पल भी आपको दे रहा है, ये सारी एग्जाम्पल हम कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा ये देर आर सिक्स स्टेप्स टू क्रिएट द सर्वलेट, दीज स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल सर्वर्स। सही है, द सर्वलेट एग्जाम्पल कैन बी बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस, बाय इनहेरिटिंग जेनेरिक सर्वलेट क्लास, और बाय इनहेरिटिंग, इनहेरिटिंग मतलब और इम्प्लीमेंटिंग मतलब ये सर्वलेट इंटरफेस है, इसके साथ और भी इंटरफेसेस इंप्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन जब इनको करना है तो आप एक्सटेंड करोगे। सही है, अच्छा इसके द मोस्टली यूज अप्रोच इज बाय एक्सटेंडिंग एचटीटीपी सर्वलेट बिकॉज इट प्रोवाइड्स एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्पेसिफिक मेथड सच एज डू गेट और डू पोस्ट। ठीक है, मतलब जब गेट की रिक्वेस्ट आएगी वो अलग मेथड में आएगी, जब पोस्ट की आएगी वो अलग में आएगी, वो एचटीटीपी सर्वलेट में आती है। ठीक है, हेयर वी आर गोइंग टू यूज अपाची टॉमकैट इन दिस एग्जांपल, द स्टेप्स आर एज फॉलोस, क्रिएट द डायरेक्टरी, क्रिएट अ सर्वलेट, कंपाइल द सर्वलेट। ये ऊपर जो डू हेड था ये काम करते हैं, डू हेड आपके जो फॉर्म से जब डेटा भेजते हो ना तो सिर्फ पोस्ट और गेट नहीं होता, पोस्ट गेट हेड डिलीट सही ये सारे होते हैं। तो डू हेड और डू डिलीट भी होता है, डू डिलीट तब कॉल होता है जब आप डिलीट करने के लिए डेटा भेजते हो, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि डू हेड क्या होता है और इसका जो एक्शन होता है ना, एक्शंस कहते हैं ये वेब के एक्शंस, एचटीटीपी के एक्शंस, जैसे पोस्ट हो गया, जैसे गेट हो गया, जैसे हेड हो गया, जैसे डिलीट हो गया, जैसे अपडेट हो गया, तो ये सारे आपको पढ़ने होंगे। और जब जब वो एक्शन आपका काम आएगा तो डू हेड आप कॉल कर सकते हो। राइट, सही। अच्छा उसके अलावा वी आर गोइंग टू, ये कह रहा है कि हम टॉमकैट सर्वर यूज करेंगे, हमने भी किया हुआ है, यहाँ से दिस एग्जांपल डाउनलोड, और ये जेनेरिक सर्वलेट का, ये सर्वलेट का, ये एचटीटीपी सर्वलेट का, और ये बता रहा है आपकी वेब ऐप होती है, वेब आईएनएफ होती है, क्लासेस होती हैं, ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमें आईडी सारी बना के देती हैं। सही है, तो हमें इन चीज़ों में फंसने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये याद करने की ज़रूरत हमेशा होती है कि सबसे बड़ा फोल्डर वेब ऐप होता है, उसके अंदर वेब आईएनएफ होता है, उसके अंदर क्लास फाइल्स होती हैं, फिर वेब डॉट एक्सएमएल होता है, एचटीएमएल फाइल्स होती हैं। सही है, क्रिएट ए सर्वलेट ये बता रहा है, बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्वलेट इंटरफेस, बाय इनहेरिटिंग ये सारा बता रहा है। ये वही देखो डेमो सर्वलेट, एक्सटेंड एचटीटीपी सर्वलेट, यहाँ डू गेट आ गया, और ये बता रहा है कि भाई रेस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप ये बताया, जैसे यहाँ पर रिक्वेस्ट आएगी तो वेलकम टू सर्वलेट का रेस्पॉन्स चला जाएगा। सही है, अच्छा उसके बाद ये कंपाइल द सर्वलेट, सर्वलेट ए पी आई डॉट जार, ये मैंने आपको शायद बताई थी अपाची टॉमकैट के फोल्डर के अंदर लिब के अंदर, ये आप सर्वलेट ए पी आई डॉट जार जो है अपने पास इम्प्लीमेंट कराते हो। सही है, अगर ज़रूरत हो, वरना क्लास पास सेट करते हो, और जे एस पी की भी जब जे एस पी करते हो।
अच्छा क्रिएट द डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, इस वेब डॉट एग्जाम्पल को हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर। इसकी वजह क्या है कि ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जब वेब एप्लीकेशन चलती है तो सबसे पहले क्या लोड होता है, सबसे पहले डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर यूज होता है, मतलब वेब डॉट एग्जाम्पल। उसकी वजह यह है कि सारी सर्वलेट कॉन्फ़िग के सर्वलेट का नाम क्या है, सर्वलेट का पाथ क्या है, और उसके अलावा इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर की होती हैं। जैसे सर्वलेट मैपिंग है, अब लेट से सर्वलेट का नाम है ये और उसका पाथ है ये, जब तक सबसे पहले ये लोड नहीं होगा, उसको ये पता नहीं होगा कि ये वेलकम का मतलब है, इसको कॉल करना है, तो ये तो एप्लीकेशन फट जाएगी और वो बोलेगा आपके पास डेमो सर्वलेट के नाम का कोई सर्वलेट पड़ा हुआ और आप वेलकम कॉल कर रहे हैं, राइट? ऐसा ही है ना? पर अगर हम दूसरा सर्वर बनाते हैं उसकी मैपिंग भी वो खुद करेगा? नहीं, हाँ, जैसे नेटबीन्स करता है, नेटबीन्स खुद करेगा, अदरवाइज नहीं कर रहा तो आपको यही पैटर्न कॉपी करके दोबारा पेस्ट करना पड़ेगा इसके नीचे और उसकी मैपिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? और सबसे पहले जो है डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर चलता है, इसको वेब डॉट एग्जीएमएल फाइल बोलते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन ऑफ एलिमेंट्स, वेब ऐप क्या करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्वलेट, सर्वलेट नेम क्या करता है, सर्वलेट क्लास, सर्वलेट मैपिंग, यूआरएल पैटर्न क्या करता है, स्टार्ट द सर्वर एंड डिप्लॉय द प्रोजेक्ट, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन फॉर अपाची, सही है? और ये सारे स्टेप्स भी बता रहा है यहाँ, तो ये करने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंटल वेरिएबल करने की हमें जरूरत कोई नहीं है, सही है? ये तो सीएलआई से चला रहा है तभी ये कर रहा है, ठीक है? हम तो वहां से डायरेक्ट चलाते हैं वो सर्वर वहां पर रख के, ठीक है? बस यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ तक, ये यहाँ तक सेट करनी है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आगे सर एचटीटीपी, अरे सर एचटीटीपी और जेनेरिक सर्वलेट में क्या फर्क होगा? अलग ही होता है, मैं जो मेथड होते हैं पांचों जो होते हैं वो दोनों में होते हैं सर, फर्क क्या सर? मेथड्स जो होते हैं वो यानी कि जिस तरह इनिट हो गया, सर्विस का हो गया मेथड, नहीं देखें जो सर्विस मेथड है ना वो सर्वलेट का है, ठीक है? सर्विस मेथड को अलग अलग करके डू पोस्ट, डू गेट, डू हेड, ये सारे ओवरराइड होके वहां पर अलग अलग हो गए मेथड्स एचटीटीपी सर्वलेट के अंदर, ठीक है? दूसरी चीज ये कि जो सर्वलेट है, सर्वलेट को जेनेरिक सर्वलेट ने जो है वो किया, एक्सटेंड इम्प्लीमेंट किया, और एचटीटीपी सर्वलेट ने जेनेरिक सर्वलेट को जो है इम्प्लीमेंट करके कुछ और अपने एक्स्ट्रा मेथड्स दिए जिनका हम फायदा उठा सकते, ठीक है? तो जैसे इनहेरिटेंस का फॉर्मूला होता है कि सबसे लास्ट क्लास को एक्सटेंड करने का फायदा ये होता है कि आपको सारी चीजें मिल जाती हैं जो इसकी हैं, जो इसके ऊपर हैं या जो इसके ऊपर हैं। अब दो तरीके हैं, देखो, या तो सर्विस मेथड ओवरराइड करो या तो डू गेट, डू पोस्ट, डू हेड, डू डिलीट ओवरराइड करो। उसका फायदा ये है कि सर्विस के अंदर मसला ये होता था कि लेट से मैं ये कह रहा हूँ कि जो गेट की रिक्वेस्ट आ रही है उसको अलग से हैंडल करो, जो पोस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है उसको अलग से हैंडल करो, ठीक है? लेट से दो फॉर्म्स हैं, दो फॉर्म्स एक ही सर्वलेट के साथ, जो हमें जो जी मीन के सर जो जेनेरिक सर्वलेट है हमें सबको ओवरराइड करना पड़ता था, और एचटीपी में हमें सिर्फ दो ही मेथड मिलते हैं जिसको हमने यूज करना होता है, डू गेट और डू पोस्ट। आप जो है कर सकते हो जब आपको जरूरत हो। ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको ओवरराइड कर, देखो हमने वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ी थी हमने, जी सर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रूल बताएं, जब उसको एक्सटेंड करते हैं तो उसके मेथड्स कौन-कौन से हमें जरूर ओवरराइड करने पड़ते हैं, कौन-कौन से? जो सर वो जिनको हमने ओवरराइड करना होता है, जो एमपीटी होते हैं सर, जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, इनकी बॉडी एब्स्ट्रैक्ट होती है सर। हां, तो ये जो आपको मेथड्स मिलते हैं ना, ये वो मेथड्स होते हैं बेसिकली। ये जो एचटीटीपी सर्वलेट है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, वो पूरी कॉन्क्रीट क्लास जिसको बोलते हैं ना वो नहीं है, ठीक है? जो भी क्लास इनको एक्सटेंड करता है उसके ऊपर लाजिम हो जाता है कोई डू गेट, डू पोस्ट, और उसके अलावा अगर मेरे ख्याल से सर्विस मेथड भी ओवरराइड कर दो भी इट्स ओके, ठीक है? अच्छा, अब एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका तरीकेकार क्या होता है, मेरे ख्याल से इंसर्ट कोड, सही है, कंस्ट्रक्टर नहीं, ओवरराइड मेथड्स, इस पे क्लिक करो, ये आपको सारे मेथड्स मिलेंगे, डू डिलीट, डू हेड, डू ऑप्शन, डू पुट, डू ट्रेस, गेट लास्ट मेथड, सर्विस, सही है? ये बता रहा है एचटीटीपी सर्वलेट ये, जब इस पे क्लिक करो तो आपको ये भी बता रहा है डिस्ट्रॉय, गेट इनिट पैरामीटर, गेट इनिट पैरामीटर नेम्स, गेट सर्वलेट कॉन्फिग, कॉन्टेक्स्ट, और साथ में ये सारे एक्सटेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट के मेथड भी बता रहा है जो आप ओवरराइड करना चाहो। अब लेट से हमारे पास डू गेट और डू पोस्ट हुआ है, सही है? अगर मैं सर्विस मेथड को ओवरराइड कर रहा हूँ यहाँ से, तो फिर
डू गेट अलग कॉल होगा, सर्विस मेथड अलग कॉल होगा अगर डू गेट की रिक्वेस्ट है। अगर पोस्ट किया तो डू पोस्ट अलग कॉल होगा और सर्विस अलग कॉल होगा, क्यों? क्योंकि वो जेनरिक सर्वलेट से होके आ रहे हैं। अब देखो एचटीटीपी सर्वलेट का फायदा देखो कि एचटीटीपी सर्वलेट पे रहते हुए आप कोई भी मेथड ओवरराइड कर सकते, ठीक है। अब लेट से सर्विस इसके अंदर भी मौजूद है, मैंने क्या किया यहाँ से डू हेड और डू ऑप्शन जनरेट किया, ठीक है। यहाँ पर देखो ओवरराइड होके आपको दोनों मिल गए, ठीक है। तो ये वही काम है कि आपको दो से तीन मेथड्स आपको खुद मिलते हैं जो ओवरराइड होके मिलते हैं, उसके अलावा जब आपको जरूरत होती है तो आप लेते हो, अदरवाइज नहीं लोगे, राइट। अब ऐसे तो फुल पेज तो आपको भर के नहीं देगा ना खुद ही आईडी ये नेटबीन्स के, भाई सारे यूज करो जो यूज करने जरूरी वो आपको बताता है कि डू गेट और डू पोस्ट तो यूज करने, क्योंकि जब रिक्वेस्ट आएगी तो जाएगी कहाँ, इन दोनों में से ही जाएगी कहीं ना कहीं, राइट। ये कंपल्सरी मेथड्स है। इसके अलावा जो यूज करने अगर किस तरह जी इस तरह सर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि आप डिफरेंस बताएं जेनेरिक सर्वलेट और एचटीटीपी सर्वलेट, तो सर उनको अगर मैं ये कहूंगा कि ये यानी कि पहले तो जेनेरिक सर्वलेट आता है और फिर उससे आगे जो है एचटीटीपी सर्वलेट आता है, एचटीटीपी सर्वलेट हम इसलिए यूज करते हैं कि इसमें जेनेरिक सर्वलेट से कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटीज हैं, एक एक तो सर ये होता है नहीं, एक ये एक जवाब है। दूसरे जवाब के लिए आप क्या करोगे, यहां आओगे और मेरे ख्याल से ये इसी में भी आगे बताएगा मुझे, देखो ये पूरी लिस्ट बना के दे रहा है इन दोनों में क्या फर्क है। ये देखो अ क्लास दैट इंप्लीमेंट्स सर्वलेट, अ क्लास व्हिच एक्सटेंड्स द जेनेरिक सर्वलेट, सही है, और सीरियलाइजेबल है। अब सीरियलाइजेबल आपको पढ़ना होगा कि क्या है, और इंटरफेस दैट प्रोवाइड्स एचटीटीपी स्पेसिफिक मेथड्स, ये सिर्फ एचटीटीपी स्पेसिफिक मेथड्स देता है, ये एचटीटीपी स्पेसिफिक नहीं देता। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट दोनों है, सर्विस मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट, सर्विस मेथड इज नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ पर सर्विस मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब आप को ना चाहते हुए भी आपको ओवरराइड करना है, लेकिन यहाँ पर आप चाहो तो ओवरराइड करो, नहीं चाहो तो नहीं करो, सही है। प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है सर, यार इसको फिर गूगल करो दोनों में, मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, जैसे HTTP क्या है, इट्स अ प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा इन बिटवीन द वेब, ऐसा ही है। यहाँ पर किसी भी प्रोटोकॉल से डेटा भेजो कोई मसला नहीं है, यहाँ पर HTTP प्रोटोकॉल से डेटा को हैंडल किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा, सही है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपके जो डू ऑप्शंस और डू हेड है ना, इसको छोड़ें, ये आप डू गेट देख रहे हो ना, यहाँ पर है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सही है। अब सर्विस के अंदर आते हैं, यहाँ इंसर्ट कोड ओवरराइड मेथड्स, ओवरराइड मेथड यहाँ पर सर्विस का मेथड नजर आ रहा है आपको, यानी एसी के अंदर है। ये देखो सर्विस के अंदर दो हैं, एक तो सर्विस यहाँ का ओवरराइडेड है सर्वलेट रिक्वेस्ट है, दूसरी है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, यस सर, सही है। ये प्रोटोकॉल डिपेंडेंट है, ये HTTP को सर्व करेगा सिर्फ, अगर कोई भी रिक्वेस्ट HTTP से आएगी तो उनको सर्व करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, राइट, ठीक है। इस सर्विस मेथड के अंदर कोई भी रिक्वेस्ट आपकी जो है किसी भी प्रोटोकॉल से आएगी, FTP प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये उसको हैंडल कर सकता है, ये उसको हैंडल नहीं करेगा, ये स्पेसिफिक होता है, ठीक है जी। तो ये है, अच्छा और भी कंफ्यूजन हो फिर गूगल किया करो, उसको भी उठा के, लेट से इसको उठा के व्हाट इज प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट दोबारा गूगल कर लो। अच्छा उसके अलावा एक्सटेंड्स, ये ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करता है, इंप्लीमेंट सर्वलेट कॉन्फिग ये वो, तो ये और डिफाइंड बाय जावा एक्स सर्वलेट पैकेज, ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज के अंदर है, सही है। एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास एंड इंप्लीमेंट सर्वलेट, एक्सटेंड्स जेनरिक सर्वलेट एंड इंप्लीमेंट्स अ सीरियलाइजेबल इंटरफेस, नॉट कॉमनली यूज, ये कॉमनली यूज होता है, ठीक है, ठीक है सर। ये चीजें जब आप कोई सर्वलेट बना रहे हो या एप्लीकेशन ऐसी बना रहे हो जो FTP प्रोटोकॉल पे चलेगी, HTTP सर्वलेट उसको हैंडल नहीं करेगा, राइट, ये पूरी लिस्ट होगी, ठीक है सर, ओके गुड। अच्छा उसके अलावा जो है बाय इंप्लीमेंटिंग ये सारे तरीके होते हैं इसके, ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। अच्छा उसके बाद हाउ सर्वलेट वर्क्स, ये सर्वलेट किस तरह काम करता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ सर्वलेट वर्क्स for understanding the servlet well, here we are going to get the internal details about the first servlet program, the server checks if the servlet is required for the first time, if yes we contain it as the following task, load the servlet first, instance the servlet class, calls the init method passing the
सर्वलेट कॉन्फिग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कौन चेक करता है? ये सर्वर चेक करता है कि अगर ये फर्स्ट टाइम कॉल हुआ है। फर्स्ट टाइम कॉल कब होता है? या तो जब आपके सर्वर अप हो रहा होता है, उसमें सारे सर्वलेट जो है कंपाइल होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट बनते हैं, सारे जेएसपीज कंपाइल होते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं और सबके एलर्ट्स कॉल होते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम, अदरवाइज कॉल द सर्विस मेथड पासिंग द रिक्वेस्ट एंड द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। लेट्स से आपका एक मरतबा सर्वलेट कॉल हो चुका है, जब दूसरी मरतबा कॉल होगा तो सिर्फ उसका एक मेथड कॉल होगा, कौन सा? डू गेट वाला या डू पोस्ट वाला, इनर्ट मेथड कॉल नहीं होगा, ओके? अच्छा, द वेब कंटेनर कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड व्हेन इट नीड्स टू रिमूव द सर्वलेट एज एट टाइम ऑफ स्टॉपिंग सर्वर ऑन अनडिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। जब आप सर्वर को ऑफ कर रहे हो या सर्वर को रीस्टार्ट कर रहे हो तो क्या होता है, सारे सर्वलेट्स जो उसमें बने होते हैं प्रोजेक्ट में, उन सबका जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्ट्रॉय करता है मेमोरी से, ठीक है। जब डिस्ट्रॉय करता है तो डिस्ट्रॉय का मेथड बनाता है, तो सॉरी कॉल करता है। अब इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा कि भाई इनर्ट कब चलता है, ये उसका जवाब है। सर्विस कब चलता है, ये उसका जवाब है। और डिस्ट्रॉय कब चलता है, ये उसका जवाब है। ये तीनों के तीनों मेन पॉइंट्स हैं, मेन से मेन पॉइंट्स हैं। हाउ वेब कंटेनर हैंडल द सर्वलेट रिक्वेस्ट। वेब कंटेनर के पास जब सर्वलेट की रिक्वेस्ट आती है तो वो वहां से कैसे पता लगता है कि उसको कि भाई ये इस सर्वलेट के लिए रिक्वेस्ट आई है। मैप्स द रिक्वेस्ट विद द सर्वलेट इन द web.xml फाइल। आपको याद होगा हमने डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर अभी पढ़ किया है कि उसके अंदर एक मिनट होल्ड कीजिएगा गाइस। अच्छा जी, web.xml का सबको पता है कि हम वहां पर सर्वलेट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट? हेलो गाइस, यस सर, ठीक है। लेट्स से सर्वलेट एबीसी कॉल हुआ है /abc, तो एबीसी का उसको पता होता है कि मेन कौन सा सर्वलेट कॉल करना है। उसके बाद क्रिएट्स रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट फॉर दिस रिक्वेस्ट, क्रिएट रिक्वेस्ट और रिस्पांस का ऑब्जेक्ट बनाता है, कॉल्स द सर्विस मेथड को एक थ्रेड बना के, the public service method internally calls the protected service method, the protected service method call the doGet method depending on the type of the request, the do type of the request ka matlab ye ki do post bhi ho sakta hai yahan, the doGet method generates the response and it passes to the client, jo hum request dispatcher banate hain ya response.send redirect karte hain ya wahan se set content type karke wo response dete hain, ye tino tarike yahan se bante hain. After sending the response the web container delete the request and response object. The thread is contained in the thread pool or deleted depends on the server implementation. ठीक है, सबसे पहले जो जेएसपी पेज या सर्वलेट कॉल हुआ, सबसे पहले वो पता लगाता है कि मेरे पास जेएसपी पेज है वो अवेलेबल जो कॉल हुआ है। जब जेएसपी पेज अवेलेबल वो ओपन होता है, जब फॉर्म फिल होता है तो रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट मतलब बटन क्लिक पे फॉर्म की रिक्वेस्ट गई। जब फॉर्म की रिक्वेस्ट गई तो /abc एक्शन के साथ गई। अब वो web.xml से सर्वर निकालता है /abc के साथ कौन सा सर्वलेट एसोसिएटेड है, वो सर्वलेट कॉल होता है। सर्वलेट कॉल के अंदर उसकी अकॉर्डिंग टू सर्विस मेथड कॉल होता है। सर्विस मेथड क्या करता है कि अकॉर्डिंगली डू गेट या डू पोस्ट जो है वो कॉल होता है। फिर उसके अंदर आके एक पूरी सिंपल बिल्कुल टोटल अलग से एक थ्रेड बनती है उस रिक्वेस्ट के लिए, और वहाँ पर आके जो भी उसका रेस्पॉन्स जाता है वहाँ से रेस्पॉन्स निकल आता है। जब रिस्पॉन्स निकल जाता है तो उस रिक्वेस्ट का जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और HTTP सर्वलेट जो रिस्पॉन्स बना है वो जो है ख़त्म हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या पूल में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज रिटन इनसाइड द पब्लिक सर्विस मेथड। पब्लिक सर्विस मेथड के अंदर क्या लिखा होता है? ये सर्विस मेथड है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को ये रिक्वेस्ट बना के और सिंपल
भेज देता है डू गेट या डू पोस्ट के अंदर. सही है. व्हाट इज रिटन इनसाइड द प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड, ये क्या प्रोटेक्टेड सर्विस मेथड के अंदर क्या लिखा होता है कि इफ मेथड्स डॉट इक्वल्स टू गेट है ये करो, और अगर मेथड्स डॉट इक्वल्स टू पोस्ट है तो डू पोस्ट कॉल करो. सही है. ये सिंपल सर्विस मेथड है कि जिसके अंदर डू पोस्ट और डू गेट दोनों की जो रिक्वेस्ट है वो हैंडल होती है. ये वो वाला मेथड है जो सर्विस मेथड अलग अलग कॉल करता है कि सर्विस मेथड इम्प्लीमेंटेड हुआ होता है और वो डू गेट या डू पोस्ट कॉल करता है. ठीक है. दोनों जैसे हमने अभी ऊपर पढ़े कि सर्विस मेथड इंडिविजुअल या डू पोस्ट या डू गेट. अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है कि वार फाइल क्या होती है. वार वेब आर्काइव फाइल कंटेंट्स फाइल द वेब प्रोजेक्ट, इट मे हैव सर्वलेट एक्सएमएल जेएसपी. अच्छा, अब मजे की बात ये है कि जब हमने प्रोजेक्ट बना लिया तो उसकी एक वार फाइल जनरेट होती है. सही है. जैसे हमारे पास जार फाइल जनरेट होती है कोर जावा में, यहाँ पर वार फाइल जनरेट होती है. वो कहीं भी हम किसी भी साइट पे डिप्लॉय करने जाते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, उस सर्वर के ऊपर हम वो वार फाइल डिप्लॉय करते हैं और वो वार फाइल अपाची टॉमकेट के ऊपर चल जाती है. और लेट्स से हमें AWS पे डिप्लॉय करनी है, वेबसाइट पे डिप्लॉय करनी है और कहीं भी डिप्लॉयमेंट करनी है तो वो सारा वार फाइल के थ्रू होता है, हमें वार फाइल मिलती है. राइट. अच्छा, उसके बाद जो है वेलकम फाइल लिस्ट. वेलकम फाइल लिस्ट क्या होती है. एलिमेंट ऑफ वेब एप इज यूज्ड टू डिफाइन अ लिस्ट ऑफ वेलकम फाइल, इस सब एलिमेंट इज वेलकम फाइल. अच्छा, आपने आपको एक चीज याद होगी कि सबसे पहले क्या होता है कि index.html या index.htm या index.jsp जब आप वो रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है. ऐसा ही होता है. मतलब लेट से आपने कहीं कुछ बताया ही नहीं है कि जब मेरा सर्वर चले तो कौन सी JSP फाइल कॉल करनी है, लेकिन आपको आपके पास आपकी आवाज कट रही है. अब आ रही है. हेलो, आवाज आ रही है. अब गाइस कैन यू हियर मी नाउ. सर कट कर आ रही है आवाज. कट करके आ रही है. चलो मैं नेक्स्ट मीटिंग इनवाइट भेजता हूँ. मैं अपने राउटर को भी रिस्टार्ट करता हूँ. ठीक है.